वेलकम बैक टू योर चैनल। सो आज हम करने वाले हैं कंपैरिजन वीडियो है जिसमें क्या होगा, दो मेरे फेवरेट फेस वॉश हैं उसमें हम कंपैरिजन करेंगे कि दोनों में से बेटर कौन है, एंड हम प्राइस की भी बात करेंगे कि दोनों में से कौन सा ज़्यादा एक्सपेंसिव है, कौन सा ज़्यादा अफोर्डेबल है एंड कौन सा लेना चाहिए। एंड दोनों ही फेमस हैं एंड बहुत ज़्यादा डिमांड में हैं और ज़्यादा अच्छे हैं। एंड मैं ज़्यादा कुछ स्किन केयर यूज़ नहीं करती हूँ, लाइक होता है ना स्किन केयर प्रोडक्ट, उसमें मैं सिर्फ फेस वॉश, सनस्क्रीन, लिप बाम, ये तीन चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ। अदरवाइज़ अभी तो कुछ ऐसा यूज़ नहीं कर रही हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय गाइस, तो आज इन दोनों का होने वाला है कंपैरिजन। सेटअप एक तरफ रहेगा, एक तरफ रहेगा सिंपल। दोनों फेस वॉश हैं एंड दोनों बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। देखते हैं कौन जीतता है, फाइट होने वाली है दोनों की। सो प्राइस का कंपैरिजन होगा और इसके कैसे इफ़ेक्ट्स हैं इसका कंपैरिजन होगा, टेक्सचर का कंपैरिजन होगा, बहुत सारा कंपैरिजन होगा। कंपैरिजन नहीं करना चाहिए बट करेंगे क्योंकि इसमें पैसे लग रहे हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला ये इससे स्टार्ट करते हैं। चश्मे निकाल लो पूजा, रख देते हैं इधरी कहीं भी। सो ये हो गया इसका, ये ऐसे क्यों दिख रहा है, इसमें एक ऐसा ग्लू लगा हुआ था तो इसके कारण ऐसे दिख रहा है। ये 50 ml का है एंड ये मैंने कहाँ से लिया था, मैंने स्मिटन से लिया था। तो इसका टेक्सचर है लाइक शैम्पू होता है ना, मतलब नॉर्मल फेस वॉश का टेक्सचर होता है। ये ना ज़्यादा थिक है ना ज़्यादा थिन है, ओके। थोड़ा सा मैंने लिया है, देखो एकदम ज़्यादा नहीं ना एकदम कम नहीं। सो पहले हम फेस को गीला कर लेंगे, रूम गंदा नहीं करूँगी मैं, मम्मी डांटेगी। मिल्सी फॉल क्या बोलते हैं, एक फेस वॉश वाला है, वो नहीं आता है यूट्यूब पे वीडियो। हाँ ये हो गया, फिर ऐसे 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 ऐसा वाला करना था कि एक तरफ ये वाला फेस वॉश एक तरफ वो वाला फेस वॉश कर सकते थे ना, कोई बात नहीं। इसमें ऐसा बनता है, फोम बनता है इसमें। सो ऐसा तो नहीं बोल सकते कि इसमें केमिकल्स नहीं है। केमिकल्स तो जो बाहर से खरीद रहे हो उसमें सब में ही केमिकल्स होते हैं, बिना केमिकल के नहीं रहता, बट इसमें भी है, बट देखते हैं क्या बोलती हूँ। एकदम रगड़ नहीं रही हूँ या हल्के हाथों से कर रही हूँ, बोलोगे रगड़ो मत, डोंट रब इट। अच्छा लग रहा है स्मूथ, पहली बार नहीं ट्राई कर रही हूँ, पूरा ख़त्म कर दिया है मैंने, वो भी ख़त्म कर दिया, ऐसा नहीं कि एक को ख़त्म किया एक को नहीं। सो वॉश करके आते हैं, बिफोर आफ्टर भी फ़ोटो नहीं खींचा ना मैंने। सो मैंने फेस वॉश कर लिया है एंड इससे मुझे कोई ड्राइनेस फील नहीं होती जो अदर शैम्पू से होती थी। बट हाउ टू यूज़ मोर लिटिल अमाउंट, ऐसा वैसा इसमें थोड़ा सा लेना है एंड जैसे लिखा हुआ होता है कैसे फेस वॉश करते हैं, ये नो कलर और परफ्यूम एडेड। क्या ये बात सही है कि कोई कलर और परफ्यूम ऐड नहीं होता? हाँ, इससे कोई भी खुशबू नहीं आती, कोई टाइप की खुशबू नहीं आती। जिनको एलर्जी होते हैं ना खुशबू से, कोई भी स्मेल से, फ्रेग्रेंस से, जैसे एकदम ज़्यादा आता है फिर वो ज़्यादा एलर्जिक होते हैं, तो उनके लिए अच्छा ऑप्शन रहेगा। और कोई कलर नहीं है, एकदम न्यूट्रल था आपने देखा। एंड इसमें क्या है, कोई हार्श केमिकल नहीं है जो आपके स्किन को अपसेट करे, ऐसा है। नो सोप, ये झूठ था आई थिंक, सोप नहीं है तो फिर कैसे फोम बना, आई डोंट थिंक सो कि ये करेक्ट लिखा हुआ है। एल्कोहल नहीं है, ओके। नो मिनरल ऑयल, नो एनिमल डिराइव्ड, ऐसा कुछ कुछ। सुटेबल इवन
फॉर सेंसिटिव स्किन। हाँ, ये ज़्यादा मैटर करता है कि जिनकी सेंसिटिव स्किन है उनको भी ये सूट करता है या नहीं। सो ये बोल रहा है कि ये सूट करेगा, तो जो जिनकी सेंसिटिव स्किन है ना वो भी ट्राई कर सकते हैं। ओके एंड हाँ, अभी क्या हो रहा है ना, को बहुत सारे लोग वीगन्स हैं ना, तो ये उनके लिए भी है, तो वो भी ट्राई कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ इसके प्राइस का, तो ये मेंशन हो जाएगा, आप देख लेना। इसका अभी क्वांटिटी 50 ml का है, नॉन ड्राइंग है, ओके, फोमिंग है, मतलब लगेगा फेस वॉश करते कि वॉश हो रहा है, और क्लीन करता है, एक्चुअल में स्किन को क्लीन करता है, मतलब जो फेस वॉश को होना चाहिए ना वो है, वो तो है। 2x विटामिन ई प्लस प्रो विटामिन B5, और ये वाला मिट गया, और तो क्या वाला था, एंटी अमीनो, हाँ एंड प्रो अमीनो एसिड, ऐसा हुआ है, प्रो अमीनो एसिड, हाँ। तो ये कुछ कुछ ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ों को मैं जानती नहीं हूँ, बट ऐसा लिखा हुआ है कि यहाँ पे है। एंड ये अच्छा फेस वॉश लगा मुझे, मतलब प्राइस वाइज सही है, एंड एकदम ड्राई नहीं करता, सब स्किन टाइप को सूट करेगा, सिंपल नाम है, सिंपल सा है और अच्छा है, मतलब यू कैन ड्राई। एंड इससे, इसको लगाने से मुझे कोई टाइप का इरिटेशन नहीं हुआ, ना कोई पिंपल्स आए, एकदम मतलब होता है कि आ जा, मतलब ठीक ठाक सा फेस वॉश, ना बुरा ना बहुत ज़्यादा अच्छा, मतलब बहुत अच्छा नहीं है बट बहुत अच्छा है, अच्छा लगा मुझे, मैं क्या बोले जा रही हूँ, अच्छा है ये, अच्छा है, यू कैन ट्राई। प्राइस का आप देख लो, हाँ यहाँ पे शुरू में तो लिखा हुआ है, न्यू सिंपल रिफ्रेशिंग फेशियल वॉश फॉर स्मूथ एंड फ्रेश स्किन विद प्रो विटामिन ई प्रो अमीनो एसिड काइंड टू स्किन। अच्छा बोला ना मैंने, 100% सो फ्री। सो फ्री कैसे है यार ये, आप लोग समझाना, मुझे नहीं समझ आया, बट यू कैन ट्राई, अच्छा है ये, अच्छा है। कंपैरिजन में अगर वो करें तो पहले इसको भी देख लेंगे, फिर इसका कंपैरिजन करें। तो चलो अब इसकी बारी, फिर लास्ट में अपन अच्छा सा वर्डिंग देंगे कि दोनों में से बेस्ट कौन सा है। ट्राई तो आप दोनों कर सकते हो, क्योंकि मैंने देखो ये भी एकदम थोड़ा सा बचा, इसीलिए वीडियो बना रही हूँ मैं, क्योंकि दोनों ही थोड़ा थोड़ा सा बचा है, तो ख़त्म होने से पहले वीडियो बन जाना चाहिए। हाँ हाँ, तो चलो अब इसकी बारी, स्टार्ट करते हैं इसको। सो पहले फिर से हम स्किन को वेट कर लेंगे, ओके, देन लेंगे। हाँ, इसका क्वांटिटी, ये मैंने ऐसी शॉप से ले लिया था, ऑनलाइन मंगा, मेरे को जल्दी चाहिए था, इसलिए इसका प्राइस मैं बता सकती हूँ अभी, मतलब आपको नहीं, नहीं इसका क्वांटिटी देखते हैं, ये भी हाँ 125 ml 125 ml का है ये, जेंटल स्किन क्लेंजर, ड्राई टू नॉर्मल सेंसिटिव स्किन। ये इसके दो वेरिएंट है, आप ये वाला लेना मेरे को, ये वाला, ये करते हैं, ये वाला शैम्पू बनाना, बनाना शैम्पू नो, चलो सेटअप फिल का करते हैं। इसका कलर देख लो आप, ये एकदम हल्का सा, देखो ऐसे कलर का है, एंड हल्का सा रनी है उससे कंपैरिजन करें अगर टेक्सचर का। सो ओके, चलो अब आते हैं रिजल्ट पे। तो टेक्सचर का अगर बात करें तो सेटाफिल का जो टेक्सचर है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ क्रीम लाइक है, लाइक ऐसा लगेगा क्रीम लगा रहे हो। बात करें पैसों की तो वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है सेटाफिल सिंपल से, बट अगर आपको रेगुलर बेसिस में अगर यूज़ करना है तो सेटाफिल गो टू फेस वॉश है मेरा, एंड सिंपल आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो, मतलब आप अपने पर्स में रखो कहीं भी काम आ जाएगा, ऐसा वाला। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, अच्छा दोनों है, बट रेगुलर बेसिस में आप सेटाफिल यूज़ करो, और हमेशा कहीं भी कुछ बन जाना है तो अपना